टीम अस्सलाम वालेकुम, करियर गाइडेंस बाय जन्नत शोएब के साथ मैं हूं आपकी होस्ट जन्नत शोएब। करियर काउंसलिंग सेशन में हम लोगों ने पिछले अपना शो करियर काउंसलिंग सेशन पे किया था। आज हमें जिस जो उनसे सेशन करना है करियर काउंसलिंग के हवाले से, वो है हाउ यू कैन बिल्ड अप योर सीवी, कि हम अपनी सीवी को किस तरह से बिल्डअप कर सकते हैं। इस सारे सिलसिले के लिए हमारे गेस्ट जो आज हमारे स्टूडियो पे मौजूद हैं वो हैं कर्नल रिटायर्ड जावेद शेर साहब। आए उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि हमें क्या चीज़ें सीवी में बनानी चाहिए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी एंड आई एम ग्रेटफुल टू यू। सर, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि अपनी लाइफ जर्नी का स्टार्ट किस तरह से किया था, यहाँ तक आप किस तरह से पहुँचे हैं। आई स्टार्ट माई कैरियर इन द आर्मी किस साल में गया था, 71 में आई स्टार्ट माई कैरियर इन द आर्मी एंड स्पेंड मोर 27 इन द आर्मी। फिर उसके बाद मैं फारिग हो गया, तो उसके बाद फिर मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू किया, और उससे पहले आई वॉज डायरेक्टर विद मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री प्रोडक्शन फॉर 4 ईयर्स। तो वहाँ पर मुझे एक चांस मिला टू डिवेलप अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट किया। तो माशाल्लाह वहाँ पे मैंने कोई 9,000 स्टूडेंट्स को मैंने ट्रेन किया ऑल ओवर पाकिस्तान, एंड आई हैड द ऑनर ऑफ विजिटिंग एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ द पाकिस्तान। तो ये मेरे लिए ग्रेट अचीवमेंट थी। और उसके बाद फिर मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू किया, तो आई रियलाइज कि माई जॉब वॉज मच बेटर इन ट्रेनिंग देन इन द आर्मी, बिकॉज यहाँ पर कुछ सेट आर्मी का एक अपना एक तरीका कार है, वो यू एंजॉय आर्मी एज एंड यू गिव लॉट टू द आर्मी टू द नेशन, तो वो एक सेपरेट इशू है। और ये जो था टीचिंग वाला, इसमें मुझे सेटिस्फेक्शन बहुत थी, बिकॉज यू टीचिंग समथिंग नेशन बिल्डिंग में, यू आर हेल्पिंग द कंट्री इन नेशन बिल्डिंग, एंड दैट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई रियलाइज लेटर ऑन। और फिर उसकी वजह से फिर मैंने एक अभी प्रोग्राम शुरू किया यूनिवर्सिटी में, पाक ट्रेनिंग डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के नाम से, एंड एवरी वीक आई एम डूइंग सेमिनार जॉब हमारा होता है, और बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग इज कैरेक्टर बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग, और बच्चों को स्किल डेवलपमेंट और उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कैरियर मैनेजमेंट पे मैं काम कर रहा हूँ। पिछले 3 साल से मैं यूनिवर्सिटी में ये काम कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक आई एम सेटिस्फाइड। बहुत लोग आना शुरू हो गए हैं, एंड आई थिंक दिस इज़ वॉट वी हैव सेंड। और मेरा एंड में यही मैसेज होता है हर एक को कि वॉट वी हैव टेकन फ्रॉम दिस नेशन, वॉट वी हैव गिवन टू द नेशन, इंस्टेड ऑफ क्रिमिंग अबाउट कि जी क्या कौन कर रहा है, आप अपने गिरेमान में देखें कि आपने मुल्क के लिए क्या किया, इंस्टेड ऑफ सो आई डोंट क्रिटिसाइज एनीबॉडी, आई क्रिटिसाइज माईसेल्फ। सर, जिस तरह हमारा जो सेशन चल रहा है सीवी बिल्डिंग के हिसाब से, हम लोग करियर काउंसलिंग के हवाले से अपना शोज कर रहे हैं, तो आज हम लोगों ने जिस सेशन पे बात करनी है वो है हम लोगों को अपनी सीवी किस तरह से बनानी चाहिए। तो सर, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि हमारी सीवी का क्या पर्पस होता है, उसका क्या इम्पोर्टेंस होती है हमारी सीवी की। देखिए, सबसे पहले जो पॉइंट आता है ना कि जो इंडस्ट्रीज या जो जॉब देते हैं, जॉब एडवर्टाइज करते हैं, उसमें जो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो देखने वाली है कि व्हाट इज द जॉब डिस्क्रिप्शन, की क्या मांगता है, व्हाट इज द लुकिंग एट। आई गिव यू एन एग्जांपल कि कंप्यूटर ऑपरेटर है। अब कंप्यूटर ऑपरेटर में नोइंग कंप्यूटर इज नॉट इनफ, आप देख लें कि उसमें सॉफ्टवेयर वो डेवलप कर सकता है कि नहीं कर सकता, वो आईटी में उसको एक्सपर्ट है कि नहीं है, नेटवर्किंग में वो ठीक है कि नहीं है। नाउ उसमें कंप्यूटर की जो रिलेटेड थिंग्स हैं देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज, ये नहीं है कि इट्स नॉट इनफ कि जी मैं कंप्यूटर जानता हूँ, आपने देखना कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कि अगर वो अकाउंट्स में है तो अगर वो इनवॉइसेस कर रहा है या रिकंसलेशन कर रहा है, दैट्स अ सेपरेट इशू। और अगर वो जनरली जॉब डिस्क्रिप्शन उसकी यह है कि जी आपने डाटा सबका लेना है, तो दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। सो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं वाई एक्सप्लेन टू यू कंप्यूटर पर लेके आया कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। सेल्स मैन है फॉर एग्जाम्पल, सेल्स मैन है। अब सेल्समैन किस चीज़ का सेल्समैन है, क्या वो बेवरेजेस का सेल्समैन है, क्या वो इलेक्ट्रॉनिक्स का सेल्समैन है, क्या वो मोबाइल का सेल्समैन है, क्या वो नॉर्मल सेल्समैन है जो कि रिटेल शॉप पे कर रहा है। सो यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन कि व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्सन जो कि एडवर्टाइज कर रहा है।
अगर आपको ये चीज समझ आ जाती देन सीवी बिकम्स वेरी इजियर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज हिज रिक्वायरमेंट. तो वो नहीं है वो कहता है जी कंप्यूटर स्किल्स. कंप्यूटर स्किल में उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, व्हाट डज ही वांट फ्रॉम हिम, व्हाट इज द जॉब डिस्क्रिप्शन कि वो क्या लेना चाहता है. और जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन में भी कि ही इज अ कंप्यूटर ऑपरेटर. जॉब स्पेसिफिकेशन ये है कि जी इसने रिकंसिलेशन करना है अकाउंट्स का, तो वो फिर एक स्पेसिफिक डील आ जाती है, वो फिर स्पेसिफिक स्किल आ जाती है विच इसके लिए ही शुड बी क्या है. नहीं अगर एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि एसी मैकेनिक है, अभी एसी मैकेनिक तो एवरीबॉडी इज एसी मैकेनिक, लेकिन एक अमेरिकन इक्विपमेंट है जी, एक चाइनीज इक्विपमेंट है, एक कोरियन इक्विपमेंट है, एक वो है क्या नाम है थाई इक्विपमेंट या मलेशियन इक्विपमेंट है. अब उसमें से देखना है कि यार ये इसमें से ये कौन सा जो स्पेसिफिकेशन है इसकी जो इसको मीट कर रहा है. अमेरिकन इक्विपमेंट जो है उसका जो एसी के मैकेनिज्म बेसिक प्रिंसिपल रिमेन सेम, लेकिन उसका हार्डवेयर डिफरेंट है. चाइनीज के टोटली डिफरेंट. इसी तरह अगर आप लैपटॉप ले लें, आप उस एप्पल ले लें, आप हुआई ले लें, डेल ले लें, और ये दूसरे जो बाकी जो ब्रांड्स हैं, तो आप उनके देखेंगे स्पेसिफिकेशन देखें कितनी डिफरेंट है. अभी आप देखें एप्पल इज टोटली डिफरेंट सॉफ्टवेयर. अब उसको नॉर्मल जो है डेल वाला जो है जो वो उसको पी एच पी का जो है एच पी वाला, तो वो उसको हैंडल नहीं कर सकता. ही हैज टू अंडरस्टैंड इट, ही हैज टू लर्न इट. इसी तरह मोबाइल पे चले जाए, आईफोन देख लें, सैमसंग देख लें, हुवाई देख लें, उसके बाद वो क्यू मोबाइल है, इन सारों की टेक्नोलॉजी इज टोटली डिफरेंट, इनका सॉफ्टवेयर इज टोटली डिफरेंट, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल रिमेन द सेम. तो इसलिए यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द जॉब दैट यू लुकिंग एट. सर ऐसे होता है कि हम कोई भी चीज़ इवन खाना भी बनाते हैं उसमें इंग्रेडिएंट्स डालते हैं कि खाना मजे का बन जाए, इससे सर कौन सी ऐसी इंग्रेडिएंट्स हमें अपनी सीवी में डालनी चाहिए जिससे सीवी बड़ी मजे की बने. अभी इस पे आता हूं. सबसे पहली जो चीज है ना व्हिच आई एज एन एचआर वुड लुक इज द पर्सनल डाटा. पर्सनल डाटा में मैं जो इम्पोर्टेंट चीज जो देखना चाहता हूँ एड्रेस. एड्रेस फॉर एग्जाम्पल यू वर्किंग इन यूएमटी, यूएमटी में आपकी रिक्वायरमेंट है. जो बंदा जो एड्रेस दे रहा है वो रह रहा है लाहौर के दूसरे किनारे में से मुगलपुरा में रह रहा है. तो स्पेशली फॉर गर्ल्स इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि लड़की वहां से मुगलपुरा से यूएमटी आना और जाना इज द प्रॉब्लम फॉर हर. ठीक है, तो वो फिर मैं उस पर फिर वरिड हो जाऊंगा कि यार इसको मैं रखूंगा क्या ये इतना टाइम दे सकेगी, क्या ये इसका आना जाना आसान हो जाएगा. फिर उसके लिए ये ऑप्शन होगी कि यार यूएमटी में हॉस्टल में वो रह लें अदर इफ इट इज अवेलेबल. तो फिर ये देखने कि फिर मुझे सबसे देखना इम्पोर्टेंट चीज़ है उसकी अवेलेबिलिटी क्या. जब आपको इफ यू आर वरिड अबाउट कमिंग फ्रॉम मोगलपुरा टू दिस प्लेस, तो यू आर वरिड कि जी मैंने जाना कैसे आना कैसे, तो 70% जो आपका जो है ना कंसंट्रेशन ऑन द जॉब इज नॉट देयर कि जी मैंने टाइम पे जाना है, मैंने रात को उधर पहुंचना, घर पहुंचना. यू लड़की हैं आपको टाइम पे घर भी पहुंचना है. फिर अपने जो सोशल टैबूज हैं कि जी घर से ये लड़की सुबह 8 बजे निकली है, 7 बजे निकली है, ये रात के 10 बजे क्यों आ रही है, व्हाट इज. और कई दफ़ा ये भी हो सकता है जॉब में कि यू हैव टू वर्क ओवर टाइम, तो फिर मैं तो अवेलेबल नहीं होगा ना. तो फिर ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरे नज़र में आती है दैट इज एड्रेस. इसलिए वैसे के पर्सनल डाटा जो इम्पोर्टेंट है वो दैट इज एड्रेस. तो कोशिश ये की जाए कि फिर अगर आप जॉब कहें तो आप कहें कि जी हाँ आई हैव मेड अरेंजमेंट्स दैट आई विल बी अवेलेबल टू यू 24 आवर्स 9 to 5 वट एवर द टाइमिंग्स आर, और अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं कर लूँगी. और एक और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आई हैव एन एग्जाम्पल ऑफ गर्ल्स कि जी कई दफ़ा आपको आउट ऑफ स्टेशन भी जाना पड़ता है. जैसे कि जी मेरी फैमिली इजाज़त नहीं देती, मैं मेरा हस्बैंड इजाज़त नहीं देता, तो फिर मैं क्या करूँगा. तो फिर आपकी अवेलेबिलिटी तो ख़त्म होगी ना मेरे पास. तो फिर मैंने तो उधर ही कांटा लगा देना, थैंक यू वेरी मच आई डोंट नीड यू, हाउ मच वी आर क्वालिफाइड बिकॉज यू डू नॉट मीट माई रिक्वायरमेंट. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट.
उसके बाद सेकेंडली जो चीज़ मैंने आपको बतानी है इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करें तो देन यू मेक एन अरेंजमेंट एंड टेल देम कि जी आई एम अवेलेबल टू यू 24 आवर्स एंड दिस इज वेयर आई एम गोइंग टू रिजाइड. हॉस्टल ले लें, यहाँ पे बहुत से हॉस्टल्स हैं, यू कैन अवेल द फैसिलिटी. हाँ, कई दफ़ा ये भी होता है कि जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको वन स्टेशन से दूसरे स्टेशन भी भेजना पड़ता है परमानेंटली या टेम्प्रेरी. ठीक है ना, अगर आपकी ब्रांचेज हैं जैसे UMT की ब्रांच है फैसला उधर है सियालकोट में, तो कहेंगे अच्छा जी ठीक है आप अभी सियालकोट चली जाए, व्हाट विल डू यू कांट गो. तो फिर मैं तो मेरे लिए तो आपकी क्वालिफिकेशन ये वो तो सारी जीरो हो गई. तो दैट इज योर फर्स्ट इज अवेलेबिलिटी. सेकेंड थिंग जो इम्पोर्टेंट जो है कि वो जो मैंने आपको कहा ना शुरू में जॉब डिस्क्रिप्शन के जो क्या है, आप देखें कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है क्या उस रिक्वायरमेंट को मीट कर रही है कि नहीं कर रही. अगर आपकी रिक्वायरमेंट मीट ही नहीं कर रही तो फिर मैं कहूँगा यार मैं इसको लेके मैं इसकी ट्रेनिंग कराऊंगा, इसको इक्विपमेंट में ट्रेन करूंगा, मेरा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा एंड आई स्पेंड लॉट ऑफ मनी, मुझे तो जरूरत ही नहीं इसकी. सो दैट इज इम्पोर्टेंट कि जॉब डिस्क्रिप्शन देखनी है कि क्या आर यू क्वालिफाइड फॉर दिस जॉब और नॉट. इफ़ यू आर नॉट क्वालिफाइड तो फिर अपना टाइम ना वेस्ट करें, और अगर आपने अप्लाई कर भी दिया है तो देन मेक श्योर कि दैट यू मीट द स्टैंडर्ड्स दैट दे नीड. अगर आपको उनको अमेरिकन इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है तो आर यू क्वालिफाइड इन अमेरिकन इक्विपमेंट. मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको, ये गाड़ियाँ शुरू शुरू में जब आई थी ना ये फ्रंट व्हील ड्राइव होती, पहले रियर ड्राइव होती थी. इसका टेक्निकली ये होता है कि जो गियर बॉक्स से जो चाल चलती है वो फ्रंट व्हील पे जाती है, पहले जाती थी गियर रियर ड्राइव, तो रियर से वो चाल लेती है उसकी ड्राइव लेती है एंड देन यू टू पुश द व्हीकल अप. तो हमारे जितने मैकेनिक थे दे वर क्वालिफाइड इन द रियर व्हील ड्राइव. तो जब लेटेस्ट डेवलपमेंट आई तो उन्होंने कहा कि यार रियर व्हील में ये है कि एनर्जी ज़्यादा होती है और उसको स्टार्ट लेने में फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा होती है और उसमें टाइम क्या नाम है टाइम भी लगता है और फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा. सो रिड्यूस द फ्यूल कंजम्पशन एंड लोड ऑन द व्हीकल. उन्होंने कहा जी फ्रंट व्हील ड्राइव कर दो. जब फ्रंट व्हील ड्राइव कर दी तो जो मैकेनिक थे दे वर नॉट क्वालिफाइड, उन्होंने इस गाड़ी को फेल कर दिया कि ये गाड़ी ठीक ही नहीं है, ख़राब है. जब उनको क्वालिफाइड हो गए तो फिर दे वर हैप्पी विद इट. तो इसी तरह अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है एमिशन सिस्टम आ रही है वो, तो दे आर नॉट क्वालिफाइड. अगर वो क्वालिफाइड हो जाए तो फिर वो गाड़ी जो है वो सक्सेसफुल है. तो उसके लिए तरीकाकार यही है कि आप पहले उनकी ट्रेनिंग करते हैं फिर आप उसको इंडक्ट करते हैं इक्विपमेंट को. अगर ये बंदा आपके पास ऑलरेडी एक क्वालिफाइड है तो वो तो फिर आपके लिए आसान हो गया काम. देखें ट्रेनिंग पे भी पैसा लगता है और जो जॉब दे रहा है वो भी उसको पैसा लग रहा है बिकॉज इज नॉट परफॉर्मिंग फॉर दैट 2-3 मंथ्स. तो आप उसको ट्रेनिंग भी कर रहे हो और जॉब पैसे भी दे रहे हैं. तो फिर कोशिश यही होती है कि जो लेने वाला है वो कहता है कि यार मैं इस पे पैसे क्यों खर्च करूं, आई शुड सेव दैट मनी. तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप देखें कि जी आपकी उस जॉब की रिक्वायरमेंट में क्या आप मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. बेसिक क्वालिफिकेशन तो ठीक है आपके पास है, MSc MA है जो भी है, वो यू मीट दैट रिक्वायरमेंट. बट ये जो जॉब है ना, ये जो स्पेसिफिकेशन वाली, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम इस चीज़ को भूल जाते हैं. और सर एक्सपीरियंस कितना ज़्यादा ये इस चीज़ पे करता है? देखें इसमें दो पॉइंट्स हैं. एक तो एक्सपीरियंस आ गया कि आप किस फील्ड डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है तो आई डोंट नीड एनीथिंग. लेकिन जो ज़्यादा क्वालिफाइड आदमी एक्सपीरियंस होगा तो उसकी सैलरी जो है वो उसके मुताबिक होगी. क्योंकि वो तो कहकर डिमांड करेगा, ही इज डिमांडिंग दैट सैलरी. लेकिन अगर लेस क्वालिफाइड है तो उसकी सैलरी कम हो जाएगी. फिर देर आर टू ऑप्शंस अवेलेबल टू देम. वो कहता है कि जी आई कैन अफोर्ड कि एक फ्रेश को मैं ले लूं और इसको मैं अपने तर्ज पे इसको ट्रेन कर लूं. जैसे वो मोल्ड नहीं होता तो उसको मोल्ड में डाल के अपने इसको अपने मोल्ड में डाल दूं. तो अगर तो वो इंटरेस्टेड है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसको पता है कि मैंने एक्सपीरियंस वाले को भी ट्रेनिंग देनी है और उसको बाहर भी भेजना है और ये मुझसे ज़्यादा डिमांड करेगा तो वाई नॉट टेक अ फ्रेश कैंडिडेट.
और उसको मैं ट्रेन भी कर दूं और अपने मोड में भी लाऊं और लेस सैलरी पे ला के उसको मैं इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे इसको ट्रेनिंग करके बाहर बेच के और ये उस पर क्वालिफाइड हो जाएगा. लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है, जो फ्रेश कैंडिडेट है जो क्वालिफाइड हो जाता है तो वो फिर इधर उधर के मारना शुरू कर देता है कि मैं जॉब पे कहीं और निकल जाऊँ. तो फिर ये क्या करते हैं कि वो इंडेमनिटी बॉन्ड ले लेते हैं 5 साल का, जी हम आपको ट्रेन करेंगे लेकिन ये इंडेमनिटी बॉन्ड साइन कर दें तो 5 साल तक आप हमारे से कहीं और नहीं जाएंगे. सो दैट इज़ वन ऑप्शन. सो ये दोनों का एक्सपीरियंस में ये आपको मैंने बताया कि वन इज एडवांटेज भी है उसमें, डिसएडवांटेज भी है. और सर समटाइम्स ऐसा होता है ना कि हम अपनी CV में अचीवमेंट्स लिख देते हैं कि अचीव में हम लोगों ने ये इतना एक्सपीरियंस है, हम लोगों ने ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं और ये सब चीज़ें. तो सर जिसने जो फ्रेशर है जिसके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है वो उस चीज़ को जो है उस चीज़ को बहुत ज़्यादा स्पेसिफाई करते हैं ऑर्गेनाइजेशन वाले के, नहीं ये फ्रेशर है इसको नहीं ये जॉब देनी चाहिए क्योंकि इसके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है. उस हवाले से हमें क्या चीज़ जो करनी चाहिए? उसमें सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि उस रिलेटेड में अगर आपने इंटर्नशिप की हुई है और आपने उसमें कोई जैसे फॉर एग्जांपल कोर्सेज चलते हैं, जैसे मैं भी कोर्स तो नहीं कर रहा हूँ बट आई कैन डू इट लाइक फॉर स्किल डेवलपमेंट, कि जी आपको सेल्समैन की सबसे बड़ी जो स्किल है वो कम्युनिकेशन स्किल है, तो मैं उसको एक कोर्स करा देता हूँ कम्युनिकेशन स्किल का. आई क्वालिफाई हिम इन दैट टर्म्स, ठीक है ना. छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स हैं लाइक फॉर ट्रेनिंग कंप्यूटर ट्रेनिंग रिलेटेड हैं कि उसमें नेटवर्किंग है, उसमें हार्डवेयर ट्रेनिंग है, तो वो आप उसको कह सकते हैं कि हाँ यार मैंने ये ट्रेनिंग, मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैंने ट्रेनिंग किए. स्टूडेंट्स के लिए फ्रेश के लिए दिस इज़ अ रिक्वायरमेंट कि दे मस्ट गो फॉर स्किल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द स्टडीज. तो जब वो कर लेंगे तो उसको कहेगा हाँ यार इसको तो ये भी चीज़ आती है, ये भी चीज़ अचीवमेंट से ना कि मैंने ये ऑनर ले लिया, मेडल ले लिया, इससे मटीरियल फॉर मी, मैंने तो उससे काम लेना है. तो काम के लिए मुझे तो नहीं चाहिए कि जी वो कह के जी मुझे मैंने तो गोल्ड मेडल लिया था. मैंने कहा सो व्हाट यार, गोल्ड मेडल इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू मी, इट डजंट, इट विल ओनली अफेक्ट मी व्हेन ही कैन परफॉर्म फॉर मी. सर हम लोग अपनी CV जब बनाते हैं तो कुछ लोग अपनी उनको पता ही नहीं होता कि कौन सा फॉन्ट साइज़ यूज़ करना है, कौन से स्टैंडर्ड साइज़ उसका क्या होना है, लेंथ कितनी होनी चाहिए उसमें. सर उसके बारे में बताएं कि हमें फॉन्ट साइज़ क्या रखना चाहिए और स्टैंडर्ड साइज़ क्या होना चाहिए, कितनी लेंथ होनी चाहिए CV की. देखिए मैं बताता हूँ, सबसे पहले मैं एज अ मैनेजर आई वुड रिक्वेस्ट कि एक तो पर्सनल डाटा मैंने आपको बताया, एक फ्रेश उसकी फोटोग्राफ लगी होनी चाहिए विच इज़ विजिबल और फ्रेश अच्छी लगी होनी चाहिए. फिर एक ये आजकल ये ट्रेंड चल गया है, मुझे तो हैरानी होती है, ऑब्जेक्टिव. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन, एम आई? नो, आई एम इंटरेस्टेड व्हाट आई कैन गेट फॉर यू. यस. तो फिर आप क्या ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, 4-5 लाइनें लिख के फजूल है, कोई पढ़ता भी नहीं है. तो यू वेस्टिंग योर टाइम ऑन रीडिंग दिस ऑब्जेक्टिव. मैं इसको कहता हूँ कि इसको निकाल दो. उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है क्वालिफिकेशन, जो आपको जॉब, मैंने कहा ना जॉब के उसको मीट करिए कि जी मैं MSc हूँ, ये है वो. और दूसरी बात मैं भी आपको ये कह रहा हूँ, ठीक है 4 GB ये GB लेकर आई एम नॉट ट्रस्टेड. उसकी मैं वजह बताता हूँ, जब मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ तो मैं उसकी कैपेबिलिटी देखूँगा कि इज ही केपेबल ऑफ दिस आर नॉट. ठीक है इट हेल्प्स अंडरमाइनिंग के जी ठीक है ये बंदा लैक है और ये दैट डज हेल्प बट मेन इशू इज के व्हाट नॉलेज ही हैज व्हेन ही इज गोइंग टू द इंटरव्यू. पे जब मैं आऊँगा तो फिर मैं आपको उसके ऊपर बात करूँ. थर्ड थिंग इज के एक्सपीरियंस आ जाना, तीसरा नंबर, ठीक है. एक्सपीरियंस में भी छोटे 4-4 बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए और स्किल डेवलपमेंट में मैंने आपको ना जो अगर उसने कोर्स किया है कंप्यूटर कोर्स से रिलेटेड है, इंटर्नशिप की है, किस जगह पे की है, दैट डज हेल्प के जी इसका. एंड लास्ट इज के एनी अदर क्वालिटीज दैट यू हैव, यू नो एक पर्सनल क्वालिटी होती है लाइक फॉर एग्जांपल आई हैव अ वेरी गुड कमांड ऑफ लैंग्वेज एंड आई हैव अ कमांड ऑन दिस कम्युनिकेशन स्किल्स एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स. तो ये मेरी एक क्वालिटीज है बट यू हैव टू बी वेरी फर्म. और फिर वो लिखा होता है कि जी एंड रेफरेंस विल बी प्रोवाइडेड एज रिक्वायर्ड. डज इट डज मैटर बिकॉज रेफरेंस लेना जरूरी होता है टू फाइंड आउट के व्हाट इट. तो मेरे ख्याल से 1 फुल स्क्रैप पेपर के ऊपर उससे ज़्यादा CV नहीं होना चाहिए. बिकॉज उसकी मैं वजह बताता हूँ,
एक तो जब एक जॉब के लिए ना, मेरे पास अभी 1000 सीवीज आ गए हैं, 100 आ गए हैं, 50 आ गए हैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है टू गो इनटू डिटेल्स ऑफ हर लंबे देखने। मैंने तो सीवी 3-4 चीज़ें देखनी है, पर्सनल डाटा, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल्स की ये मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसको मैंने साइड पे करना। जिसने ज़्यादा कोई 3-4 सफ़े लिखे मैंने उसको पढ़ने नहीं, मैंने उठा के बाहर फेंक देना। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई डोंट हैव टाइम टू डू इट। तो पहला जो जॉब में जो होता है वो ये होता है कि शिफ्टिंग ऑफ द सीवीज। अगर 10 सीवीज आई हैं तो या 15 सीवीज आई हैं फॉर पर्टिकुलर जॉब, आई हैव टू सी कि कौन मेरी रिक्वायरमेंट मीट कर रहा है। जो नहीं मीट कर रहा, जब 3 सफ़ों का सीवी लिखा मैं कहूँगा यार इसने तो हमें अच्छा, पता क्या करते हैं इसमें एक और भी गलती करते हैं लोग, जॉब डिस्क्रिप्शन पूरी लिख देते हैं। अगर कहीं जॉब की है तो पूरी जॉब डिस्क्रिप्शन लिख दी। अच्छा, उसमें एक और नुकसान भी होता है, जब मैं इंटरव्यू मांग रहा आपने मुझसे सवाल पूछना देना चाहिए व्हाट इज द प्रॉब्लम, तो जॉब डिस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत ही नहीं है। यू हैव जस्ट राइट एक्सपीरियंस है कि ये मैंने फलां फलां जगह पे जॉब किया, दैट्स इट। और क्या आपने क्या उसमें क्या किस स्टेटस पे आपने किया, मैनेजर था क्या, दैट्स ऑल। यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग कि जी मैंने मैं वहाँ मैनेजर सेल्स था तो मैं ये काम कर, नॉट इंटरेस्टेड। स्किल्स है और एक पूरा वन फाइन पेज, दैट्स इट, दैट्स इट। सर ये इतना मजे का अच्छा, सीवी जो है वन पेज बस। सर इतना मजे का टॉपिक और टाइम का पता नहीं चला, अभी हमारा और भी क्वेश्चंस पड़े हुए हैं जी व्यूअर्स। हम लोगों का भी हम लोग अगले शो में इस टॉपिक को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। इस पूरे शो में कोई गलती कोई कोताही हो चुकी हो तो उस चीज़ के लिए माजरा चाहते हैं। अगले शो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलानी के बाद।